जब किसान गन्ना के बुआई करेगा, अच्छे अच्छे लोग एसी में सूता लाते हैं, खाली घोषणा की है नहीं काम होगा, धरती पर जब काम होगा तब होगा। आलू माफिया, बालू माफिया लोग हैं और सड़क पर टूट रहे हैं। हमारे इलाके में ली लगा या जानवर है, लाली पाप है, क्योंकि किसान के हाल इतना बेहाल है, इतना किसान मजबूर है। आप जानते हैं जब 12 बजे रात में यही मार्च अप्रैल में जब किसान गन्ना के बुआई करेगा, अच्छे अच्छे लोग एसी में सूता लाते हैं, लेकिन किसान गरीब आदमी और खेत में रहता है। जब खेत के गन्ना की छिलाई होता है तब किसान आदमी यही ठंडी पे लोग जो है वो ठंडी में चल रजाई ओढ़ कर सूते हैं और किसान जाकर ठंडी में जाकर अपना गन्ना छिलाई के काम करता है। जो ये बजट आया है हम समझते हैं किसानों के लिए एक लाली पाप है। जब से सरकार बनी एक पैसा गन्ना का दाम नहीं बढ़ा। आप लोग से अनुरोध है कि आने वाले दिन में आप यही सरकार का था आने वाले किसान को दूनी लागत दे, दूनी लागत का दूना आपको देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यही आपसे अनुरोध करते हैं ये सरकार तक पहुँचाया जाए कि किसान नौजवान हो चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, ये सबके साथ ही छलावा किया गया है। आपसे अनुरोध है ये भी उनको आगे पहुंचाया जाए। आपसे अनुरोध करते हैं कि आने वाले दिन में चाहे अस्पताल हो, ये तमाम अस्पताल में हमने घूमा है लेकिन न कहूं दवाई है और डॉक्टर लोग को लिख देते हैं प्राइवेट अस्पताल पर कि जाकर वहां दवाई करवाइए, लिख देते हैं चुप उनको वहां कमीशन बना रहता है। तब आप लोग से आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी कि आपसे न्याय मिलता है, सरकार से आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देश दे कि इसको कहा जाए। आपसे एक चीज और कहना चाहते हैं, आपसे एक बार और कहना चाहते हैं, हमारा गांव एक कस्बा है कुछौरा बाजार, कुछौरा बाजार बहुत पिछड़ा एरिया है। यदि आपसे चाहते हैं अगर वहां नगर पंचायत बन जाएगा तो कुछौरा बाजार के तरक्की होगा और गरीबी दूर होगा, उसी के बाहर विकास के काम होगा। एक बात और कहना चाहते हैं आपसे माननीय अध्यक्ष जी कि जो हमारे विधानसभा में सरजू नदी है, मनवर है, लालगंज है, ये बंधा बनाई ऊंची कराई हो गए, जब बढ़ जाता है तो चारों तरफ गांव डूब जाते हैं। एक चीज अनुरोध ये करना चाहते हैं, हमारे इलाके में ली लगा है या जानवर है या अपना प्रकोप है कि लोग कहे थे कि आने वाले दिन में लागत का दूनी लागत मिलेगा और यहाँ का 20% ली लगा उनके खुद जो पैदा होता था 20% खुद कम हो जा रहा, बढ़ोतरी क्या होगा जो था उसमें कम हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि हमारा 311 विधानसभा में अनुरोध है वहाँ एक स्टेडियम बनवाया जाए जो नौजवान लड़के के खेले कूदने के लिए, ये आपसे अनुरोध है कि ये किया जाए, ऐसे और तरक्की होगा, ऐसे क्षेत्र का विकास होगा। आपसे अनुरोध है ये बनकटिया ब्लॉक से और लाल बनकटिया ब्लॉक से आगे जाकर रोड बहुत पतली है तो जो तकवा बाजार जाती है, बहुत आज के 20 साल के पहले रोड बना था, बहुत पतली रोड है, अगर ऊंचीकरण और चौड़ीकरण रोज हो जाएगा वह क्षेत्र का विकास हो जाएगा। आपसे और एक चीज अनुरोध करते हैं, गाय घाट से जो सरजू के नदी पर जाता है वहाँ बालू माफिया लोग हैं और सड़क पर टूट रहे हैं, उस रोड पर चल नहीं मिलता है। एक कुदरा से सरजू नदी तक है वो सड़क पहले बढ़िया था लेकिन बालू माफिया लोग उस पर बड़े बड़े ऊंची ऊंची गाड़ी चलाकर वो चलक चलने लायक नहीं है, वो टूट गया है। ये अनुरोध करते हैं कि आप उसको सरकार को निर्देश दें कि आने वाले दिन में उसको बनाया जाए और जो कि सरजू बनाकर पर जाए वाला रास्ता ठीक हो जाए। एक बात और करते हैं, आप कहते हैं सरकार कहती है धक्का पीटती है कि हम बहुत विकास काम कर रहे हैं। मेरे 300 विधानसभा में महादेवा विधानसभा में आप 311 आपसे अनुरोध करते हैं, आप जांच करा लीजिए, अगर 100 सड़क है 25 सड़क ठीक है, 75 सड़क पर चलने लायक नहीं है। ये आपसे अनुरोध करता हूँ कि तमाम विसक्तियां है, खाली खाली घोषणा की है नहीं काम होगा, धरती पर जब काम होगा तब होगा। जय भीम, जय भारत।